नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर टेस्ट सीरीज जीती। भारत ने धर्मशाला में ऑस्ट्रेलिया को चौथे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच में 8 विकेट से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीतकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने पास बरकरार रखी। भारत की लगातार 7वीं टेस्ट सीरीज जीत थी। भारत ने 2015 से अब तक श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और बांग्लादेश को हराया है। जीत के लिए 106 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत को आज 87 रन की जरूरत थी। सलामी बल्लेबाजी लोकेश राहुल ने श्रृंखला में 6 अर्धशतक लगाकर यह औपचारिकता पूरी की। यह मैच 3 दिन और 1 सत्र के भीतर ही खत्म हो गया। जैसे ही राहुल ने विजयी रन बनाया, ड्रेसिंग रूम में मौजूद कप्तान विराट कोहली समेत सभी खिलाड़ियों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। कोहली कंधे की चोट के कारण इस टेस्ट से बाहर थे। राहुल ने 76 गेंद की पारी में 9 चौके लगाए, जबकि रहाणे ने 4 चौके और पैट कमिंस को 2 छक्के जड़े। इसके साथ ही भारतीय टीम के घरेलू सत्र का अंत हो गया, जिसमें भारत ने 13 में से 10 टेस्ट जीते और 2 ड्रॉ रहे। एकमात्र हार पुणे में ऑस्ट्रेलिया के हाथों झेलनी पड़ी। यह जीत इसलिए और भी अहम थी क्योंकि नियमित कप्तान और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली यह मैच नहीं खेल रहे थे। इसके अलावा यह पिच ऑस्ट्रेलिया के अनुकूल अधिक थी, जिस पर भारत ने चाइनामैन कुलदीप यादव को उतारा और एक बल्लेबाज कम लेकर उतरे। भारत के लिए सबसे बड़ा हासिल यह रहा कि टीम ने साबित कर दिया कि वह कोहली पर ही निर्भर नहीं है। मैच के बाद पुजारा ने कहा कि यह बेहतरीन श्रृंखला थी, खासकर पहले मैच में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद। हम 3-1 से जीतना चाहते थे, लेकिन 2-1 से भी खुश हैं। दूसरी पारी में हमारे तेज गेंदबाजों ने उम्दा प्रदर्शन किया, हमने अच्छी साझेदारियां निभाई। भारत की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू जमीन पर यह लगातार 4थी सीरीज जीत है। भारत आखिरी बार अपनी जमीन पर 2004-05 में ऑस्ट्रेलिया से हारा था। जीत के बाद मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज बने ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने कहा कि मैथ्यू बेट के शब्दों ने उन्हें इतना भड़काया कि वह अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित हो गए। अपने जश्न मनाने के अंदाज पर जडेजा ने कहा कि अगली बार मैं शतक बनाने की कोशिश करूंगा और 2 बल्लों को तलवार की तरह घुमाकर जश्न मनाऊंगा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। जीएसटी से जुड़े 4 विधेयक लोकसभा में पेश, अधिकतम दर 40% रखने का प्रस्ताव। सीरीज गंवाने के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीवन स्मिथ ने आक्रामकता के लिए माफी मांगी। ग्रेटर नोएडा में नाइजीरियाई छात्रों पर हमला, सुषमा ने योगी से बात की। अमेरिका ने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है परमाणु हथियार। जम्मू कश्मीर के लद्दाख में हिमस्खलन, सेना ने 71 पर्यटकों को बचाया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।